श्री कृष्ण मित्रों मित्रों, आज आपको हम अपने ये गुलाब का ओवरव्यू दिखा रहे हैं। आशा हो आपको पसंद आए। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडल से। ये देखिए, ये गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल में काफी अच्छे फूल आते हैं और ये है अबरकडब्रा। ये अबरकडब्रा, ये आपका स्वीट रोज है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये इधर फिर ये वही गोल्ड मेडल है। ये ऑरेंज क्वीन है। और मैं आपको रेयर गुलाब दिखाता हूँ, बहुत ही रेयर गुलाब। ये देखिए, इसमें खुशबू इतनी जबरदस्त होती है इस गुलाब में, बहुत ही जबरदस्त गुलाब है। इसका नाम है जस्ट जॉय। ये देखिए, अभी इसमें कलियां आने शुरू हुई है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू होती है और खुशबू के मामले में जो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन गुलाब है वो ये है। इसका नाम है डबल डिलाइट। ये खुशबू के मामले में इसके सबसे ज्यादा इत्र इसी गुलाब से बनते हैं। ये देखिए, ये भी डबल डिलाइट है, ये भी डबल डिलाइट है। और ये इस गुलाब को बोलते हैं लव बर्ड्स। देखते हो आप कितना लाल कलर का और बहुत ही महरूम टाइप का ये गुलाब होता है और काफी लंबे समय तक टिकता है ये गुलाब, और इसमें खुशबू बहुत प्यारी होती है। एक आबरा डाबरा की एक और किस्म आपको दिखाते हैं। कुछ लोग इसे गॉर्जियस बर्न बोलते हैं तो कुछ ऐसे आबरा डाबरा की एक अनोखी किस्म बोलते हैं। आप जो चाहे बोल सकते हो। ये देखो, अभी ये खिलना शुरू हुई है लेकिन ये इसमें सभी में गुच्छों में कलियां आती हैं। ये देखिए सभी में गुच्छों में कलियां आई हुई है। काफी बेहतरीन कलियां आई हुई है, बहुत अच्छी अच्छी कलियां आई हुई है। ये ऑरेंज क्वीन की और गोल्ड मेडल की भी काफी अच्छी अच्छी कलियां आई हुई है। अभी ये आने शुरू हुए, देखिए इधर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो गुच्छों में कितनी कितनी कलियां आई हुई है। देखो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 कलियां इसके अंदर आपकी आई हुई है। एक छोटे से पेड़ का ऐसे ही ये 5 कलियां इसमें आ रही है, इधर इधर भी आ रही है। अभी ये खिलना शुरू है और पूरे मई तक ये गुलाब खिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया नजारा इसमें आप देख सकते हो, कितने गुलाब खिले हुए हैं। और अभी और इसमें अभी कलियां और आई हुई हैं और भी खिलने लग रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए आप, 5-5 कलियां इनमें भी आई हुई है, इन सभी में आई हुई है। ये अपना देसी रोज होता है, जो क्लाइंबिंग रोज बोलते हैं ना, वो वाला रोज है। जब इसमें फूल आते हैं तो पूरा भर जाता है गुच्छों की तरह। अभी इसमें पूरी तरह से फूल आए हुए नहीं, गुच्छे आए हुए हैं अभी तक इसमें। जब ये पूरा फूल आएगा तो एक बार मैं फिर आपको इसका ओवरव्यू दूंगा और आप देखना कि कितना जबरदस्त इसमें खुशबू होती है, कितने जबरदस्त फूल आते हैं। इधर ये हमारे पिटूनिया, पीछे वर्बिना, अभी चल रहे हैं, बहुत टाइम से ये फूल दे रहे हैं, बहुत समय से फूल दे रहे हैं। ये नवंबर से ये फूल दे रहे हैं और अब तक भी ये फूल चले हुए हैं। ऐसा एक ब्लू का आप उधर भी देख सकते हैं गार्डन का। अभी पिटूनिया अभी चल रहे हैं, बाकी और जो पौधे रहे वो अभी खत्म हो चुके, इसलिए मैं ज्यादातर पिटूनिया रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप गार्डन में लगाओ तो ज्यादा से ज्यादा पिटूनिया लगाओ ताकि आपको लंबे समय तक ये आपको फूल दें। तो इसी के साथ आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये गुलाब का गार्डन। इधर भी आप देख सकते हैं, उधर हमारे भोले बाबा जी है, मतलब फूलों में पूरा भरा हुआ है। साथ में आप ये मैरीगोल्ड भी देख सकते हैं, ये भी कैसे फूलों में भरे। ये बाद में बस ऐसे ही लगा दिए थे कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इसको कि बीजों से गेंदा लगता है या नहीं लगता, लेकिन इसकी थोड़ी हाइट होगी क्योंकि इसमें काफी पौधे हैं जिसकी वजह से इसकी थोड़ी हाइट होगी। लेकिन फूल के साइज देखो आप, कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त है। अगली बार जब मैं इसके बीज बनाऊंगा तो इसको बीज की हाइट बिल्कुल नीचे रहेगी। देखो जिस प्रकार ये है, इस प्रकार है, क्योंकि ये ज्यादा
मात्रा में होने के कारण ये ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा और खुशबू वाला गेंदा ये। इधर ये देखिए, ये सारे पिटूनिया लगे हुए टोटल। आप इधर हमारे भोले बाबा जी को देख सकते हैं, एक बार आप ये पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं गार्डन का, गुलाब का। गुलाब काफी टाइम बाद खिले हैं, क्योंकि ये अभी तीसरी बार भी ये फूल दे रहा है गुलाब, लेकिन अभी अच्छी मात्रा में फूल दे रहा है। उस समय ये इतना नहीं, कोई किसी ने दो दिया किसी ने तीन दिया, लेकिन अभी बहुत अच्छी मात्रा में फूल दे, आप देख सकते हैं। और अभी आना शुरू है, जब ये पूरा भरेगा तो एक बार फिर मैं और भी आपको दूंगा गुलाब का। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।